Good morning, class. This is our new genetics class in which today we will study about the third topic of our genetics, that is patterns of inheritance. पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस पर एक्चुअली आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है उसको हम दो फॉर्म्स में पढ़ते हैं, मेंडेलियन पैटर्न और नॉन मेंडेलियन पैटर्न. तो कई बार आपके पैटर्न्स के नाम से क्वेश्चन आता है और कई बार सीधा मेंडेलियन पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से क्वेश्चन आता है. तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसके अंदर पहले हम क्रोमोजोम को देख रहे हैं कि ये क्रोमोजोम के होमोलोगस पेयर बताया गया है. बीच में सेंट्रोमियर है, काइनेटोकोर है, स्नेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ये बना रहे हैं और ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. जेनेटिक्स इनहेरिटेंस के पैटर्न्स की स्टडी को ही अपन जेनेटिक्स कहते हैं. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स ग्रिगोर मेंडल ने दी थी. ये पढ़ चुके हैं अपन. पी प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि ये काफ़ी इजीली ग्रो किया जा सकता है और इसके करैक्टरिस्टिक्स काफ़ी डिस्टिंग्विशेबल होते हैं. हम आराम से अलग अलग उनकी स्टडी कर सकते हैं और इनकी मेटिंग को अपन कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने इस पी प्लांट को चूज़ किया था. अब कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में. एलील जीन के अल्टरनेट फॉर्म होती है. डोमिनेंट एलील जो हर समय जब भी ये प्रेजेंट होएगा ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो डोमिनेंट एलील कैपिटल लेटर में अपन इसको लिखते हैं. ड्वार्फिज्म, हंटिंगटन डिजीज, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके. रेसेसिव एलील जो अपने आप को छुपा लेता है, डोमिनेंट ट्रेट जब भी प्रेजेंट होगा तो जो छुप जाएगा वो रेसेसिव एलील कहलाएगा. स्मॉल लेटर लोअर केस से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ब्लू आईज होती हैं वो रेसेसिव एलील है. जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप है किसी ऑर्गेनिज्म का, जिसमें होमोजाइगस हेटरोजाइगस आता है. होमोजाइगस जब दोनों एलील सिमिलर होते हैं तो होमोजाइगस, और दोनों एलील डिफरेंट होते हैं तो हेटरोजाइगस कहलाता है. फिनोटाइपिक जो ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स है, जो फिजिकल करेक्टर्स जो आपको बाहर से दिखाई दे रहे हैं वो फिनोटाइप, जैसे ब्राउन आइज, ब्राउन हेयर, टॉल, शॉर्ट, ये सारे करेक्टर्स हमें बाहर से दिखाई देते हैं, यानी फिनोटाइप. जीनोटाइप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बॉन्ड हुए होते हैं एक ही टाइम पर, जीनोटाइप नहीं सॉरी जेनरेशन, जो एक ही टाइम पर बॉर्न हुए होते हैं वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे पी जेनरेशन यानी पैरेंटल के लिए F1 ऑफस्प्रिंग पैरेंट से फर्स्ट फाइलियल जेनरेशन में दिखाई दे रहे हैं, और F2 फर्स्ट जेनरेशन है ऑफस्प्रिंग की तो F2 कहलाती है. ये जेनेटिक की सारी टर्मिनोलॉजी एक साथ. क्रोमोसोम मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल्स में पाए जाते हैं. DNA प्रोटीन RNA के बने होते हैं. जीन्स हेरिडिटी की यूनिट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है. P F1 F2 मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ. लोकस जीन में एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है या DNA सीक्वेंस में एक पोजीशन है क्रोमोसोम पर, जिसको अपन लोकस कहते हैं. एलील वन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन और जेनेटिक लोकस. जेनेटिक लोकस की सेम फॉर्म या जीन की सेम फॉर्म ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है, सेम जीन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स. डोमिनेंट एलील जो हमेशा अपने आपको एक्सप्रेस करता है, और रेसेसिव एलील केवल तब एक्सप्रेस होगा जब डोमिनेंट एलील नहीं होता. जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है भाई? जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप है किसी भी सेल का, ऑर्गेनिज्म का या इंडिविजुअल का. होमोजाइगस जब एक ही जीन के सेम एलील दोनों एक जैसे पाए जा रहे होते हैं तो वो होमोजाइगस, और एक ही जीन में अलग अलग एलील्स पाए जाते हैं तो हेटरोजाइगस. फिनोटाइपिक कोई भी करेक्टर्स या ट्रेड्स जो कि ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व कर सकता है. ट्रू ब्रीडिंग प्योर ब्रीड है किसी ऑर्गेनिज्म की जो हमेशा पास डाउन होती है, फिनोटाइपिक ट्रेड में दिखाई दे रही होती है. वाइल्ड टाइप मोस्ट कॉमन फिनोटाइप है नेचर में जो पाया जा रहा होता है उसको वाइल्ड टाइप, जो सबसे ज़्यादा फिनोटाइप पाया जा रहा होता है वो वाइल्ड टाइप. और म्यूटेंट फिजिकल या जेनेटिक डिफरेंस जो पाया जाता है जीन में म्यूटेशन से वो म्यूटेंट कहला रहा होता है. अब ट्रैकिंग इनहेरिटेंस को ट्रैक करने के लिए पुनेट स्क्वायर एक डायग्राम है जो जीनोटाइप्स को टेस्ट क्रॉस में बताता है. टेस्ट क्रॉस क्या है? पुनेट स्क्वायर एक फिगर आउट करता है जीनोटाइप अननोन को, अननोन के जीनोटाइप को, वो टेस्ट क्रॉस है. ऑलवेज ये अपन होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल जो हमें नहीं पता है जिसके बारे में, उसके लिए अपन ये पुनेट स्क्वायर काम में लेते हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो है वो मेटिंग करवाई जाती है इंडिविजुअल्स के बीच में जो कि दोनों हेटरोजाइगस होते हैं, जबकि डाईहाइब्रिड क्रॉस में मेटिंग करवाई जाएगी इंडिविजुअल जो हेटरोजाइगस हैं दो अलग अलग ट्रेड्स के लिए, दो अलग ट्रेड्स को लेकर के क्रॉसिंग. तो डाईहाइब्रिड क्रॉस एक ही ट्रेड को लेकर क्रॉसिंग है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ये चीज़ें मैं आपको
बहुत बार बता चुकी है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है, ये डाई हाइब्रिड, दो अलग अलग करेक्टर्स अपन ने लिए हैं उनका एग्जाम्पल है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने पढ़ा दिया आपको कि भाई दो एलल्स हर एक जीन में जो होते हैं पैक्ड रहते हैं, पर फिर जब वो सेपरेट होएंगे तो गैमेट्स में सेपरेट हो जाएंगे, और मियोसिस के दौरान ये एलल्स जो होते हैं एक दूसरे से अलग हो चुके होते हैं। मियोसिस वन की मेटाफेज के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट एंड पोल्स के अपोजिट एंड की तरफ मूव कर जाते हैं, तो इस तरह से सेपरेट आउट होंगे। जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सेग्रीगेशन जो है एलल्स का एक जीन का, वो दूसरे एलल को कभी भी प्रभावित नहीं करता, मतलब हर एक जीन, हर एक एलल जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये रैंडमली पैकेज होते हैं गैमेट्स के अंदर और प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और असॉर्टमेंट को डायग्रामेटिकली बताया गया, अपन ने पढ़ लिया, इसलिए बार बार उसको लंबा नहीं खींच रही हूँ, सिर्फ शॉर्ट में ये चीज़ आई इसलिए, क्योंकि जब पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो ये चीज़ बतानी पड़ेगी, तो आपके एग्जाम में आएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, मैं ऑलरेडी एक क्लास में बता चुकी हूँ, तो मैं बार बार बोल करके टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। ये प्रोडक्ट रूल है कि प्रोडक्ट रूल से अपन कैसे करते हैं, देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा आपको। अब जेनेटिक्स की प्रॉब्लम सुनिए। द एबिलिटी टू कर्ल योर टंग अप ऑन द साइड, टी टंग रोलिंग, अपन इसको ऐसे क्रॉल कर लेते हैं ना, कर्ल कर लेते हैं टंग को साइड में, तो ये डोमिनेंट है, इस डोमिनेंट टू नॉट बीइंग एबल टू रोल योर टंग, मतलब टंग को मोस्टली आप कर्ल कर ही सकते हैं, तो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है जो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके केस में, यह वुमेन जो कि रोल कर सकती है अपनी टंग को, मैरीज अ मैन हु कैन नॉट, अगर एक ऐसी वुमेन है जिसने ऐसे रोल करने की जिसमें एबिलिटी है, उसने एक ऐसे मैन से मैरिज की जो कि रोल नहीं कर सकता, तो उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो फादर्स का फिनोटाइप उसमें आएगा, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, मदर फादर का और चाइल्ड का, ये प्रोबेबिलिटी, ये सारे क्वेश्चंस है, टंग रोल होती है या नहीं होती उसकी। 70% अमेरिकन्स में परसीव बिटर टेस्ट फ्रॉम द केमिकल फिनाइल थायोकार्बामाइड, पीटीसी के लिए बिटर टेस्ट अमेरिकन्स में परसीव वो करते हैं, केमिकल को टेस्ट करने का रिजल्ट फ्रॉम अ डोमिनेंट एलल से आया है और नहीं कर पाते हैं पीटीसी को, तो वो दो रेसेसिव एलल्स की वजह से आता है। एल्बिनिज्म भी इज ऑल्सो अ सिंगल लोकस स्टेट विद नॉर्मल पिगमेंट बींग डोमिनेंट, नॉर्मल पिगमेंट डोमिनेंट हो रहा है कैपिटल ए, और पिगमेंट की डेफिशिएंसी पाई जा रही है, वो रेसेसिव करेक्टर है। नॉर्मली पिगमेंटेड वुमेन जो है वो पीटीसी को टेस्ट नहीं कर पाती है, जिसके फादर हु इज एन एल्बिनो टेस्टर, जो एल्बिनो टेस्टर थे उनके कंपेरिजन में नहीं टेस्ट कर पा रही है। अगर उसने होमोजाइगस उसका मैरिज हो गई नॉर्मल पिगमेंटेड मैन के साथ में जो कि टेस्टर है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने ये पढ़ लिया है ऑलरेडी। रेसेसिव डिसऑर्डर, ये वो डिसऑर्डर है जो कि केवल एक्सप्रेस होता है तब जब दोनों एलील्स रेसेसिव एक साथ मौजूद होते हैं, कैरिड किए जाते हैं। हेटरोजाइगस इंडिविजुअल्स कैन कैरी जीन बट नॉट एक्सप्रेस डिसीज, हेटरोजाइगस में हालांकि दोनों जीन्स होंगे, डोमिनेंट भी होगा रेसेसिव होगा, पर वो दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई तभी देगा जब दोनों एलील्स रेसेसिव होंगे, जैसे सिकल सेल एनीमिया इसका एग्जाम्पल है, जहाँ दिखाया गया है कि कैपिटल ए है तो नॉर्मल, कैपिटल ए स्मॉल ए है तो कैरियर होएगा, और स्मॉल ए है तो सिकल सेल डिजीज़ दिखाई देगी, क्योंकि सिकल सेल डिजीज़ रेसेसिव डिसऑर्डर है, रेसेसिव डिसऑर्डर दिखाई दे, सिकल सेल देखो हंसियाकार दिखाई दे रही है, आरबीसी है ना, कुछ गोल है कुछ हंसियाकार है। डोमिनेंट डिसऑर्डर क्या होता है, ये वो कंडीशन है जो कि एक्सप्रेस होती है जब इंडिविजुअल में एक डोमिनेंट एलील है तो भी, दो है तब तो दिखेगी, सिंगल है यानी हेटरोजाइगस है तो भी दिखाई देगी, वो डोमिनेंट डिसऑर्डर है। एक्चुअली पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस हम डिसऑर्डर्स को ही पढ़ते हैं, डोमिनेंट डिसऑर्डर और रेसेसिव डिसऑर्डर। ये देखिए, ये सारे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं जो आपको लिखने हैं अगर ये क्वेश्चन आपके आता है, जैसे एल्बिनिज्म जिसमें स्किन का पिगमेंट नहीं पाया जाता है, इसमें पर्सन वाइट या हल्के रंग का दिखाई दे रहा होता है, इसकी स्किन जो है वो अगर सन से ओवर एक्सपोज हो जाती है तो जलने स्टार्ट हो जाती है। 22,000 में से एक केस ऐसा देखने को मिलता है। ये सारे रेसेसिव डिसऑर्डर्स, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स। सिस्टिक फाइब्रोसिस 2,500 में से एक केस कॉकेशियंस में पाया जाता है, इसमें ये एक लंग का डिसऑर्डर है। मैंने तो खैर आपको, आप तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वरना फर्स्ट ईयर में ये डिसऑर्डर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया गया होगा, मेरी क्लास रेस्पिरेटरी की आप देख सकते हो, उसके अंदर मैंने ये डिसऑर्डर पढ़ाया है।
तो इसमें क्या होता है, लंग्स में एक्सेसिव म्यूकस प्रोड्यूस होने लग जाता है, लंग्स में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, लीवर वगैरह में, ये उनसे जुड़ी हुई बीमारी है। इसमें इन्फेक्शन होने के लिए ससेप्टेबिलिटी भी पर्सन में बढ़ जाती है, डेथ भी हो सकती है अर्ली चाइल्डहुड में अगर हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट नहीं किया, क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है तो बचपन में इसको ट्रीट कर देना चाहिए। गैलेक्टोसीमिया 60,000 में से एक केस देखने को मिल रहा होता है। इसमें गैलेक्टिटॉल जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, जिससे कि लिवर एनलार्ज हो जाएगा, लिवर में सिरोसिस हो जाएगा। लिवर सिरोसिस मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपके लिवर वाले टॉपिक जीआई के अंदर पढ़ेंगे अपन। रीनल फेलियर हो जाता है, आंखों में कैटरेक्ट हो सकता है, मोतियाबिंद, ब्रेन डैमेज हो सकता है, ओवेरी फेलियर हो सकता है। मॉर्टलिटी इन्फेंट में लगभग 75% केस में देखी जाती है। नेक्स्ट जेनेटिक मेटाबॉलिक एरर है फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU, 15,000 में से एक केस US में देखने को मिलता है। इसमें एबनॉर्मली फिनाइल एलानिन का लेवल हाई हो जाता है, वो ब्लड में इकट्ठा होने लगता है। ये ब्रेन के लिए टॉक्सिक होता है, जिससे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक क्षमता डिस्टर्ब हो जाती है पर्सन की, ब्रेन एबनॉर्मल फंक्शन करने लगता है, मूड डिसऑर्डर देखने को मिलता है। मूड डिसऑर्डर, मूड चेंज होता रहता है इन लोगों में, मूड स्विंग होता है, इरेग्युलर मोटर फंक्शन चलता है और बिहेवियर में प्रॉब्लम आने लग जाती है पर्सन के। नेक्स्ट है सिकल सेल डिजीज़, 50,000 में से एक केस US में देखने को मिलता है। ये ज़्यादा, सॉरी 50 नहीं, सॉरी 5,000 में से एक केस देखने मिलता है। इसमें टिश्यू डैमेज हो सकता है और कॉम्प्लिकेशंस में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रोक जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया, CNS के अंदर पैथोलॉजी में स्ट्रोक CNS का डिसऑर्डर है, होने लग जाता है और क्रॉनिक पेन से पर्सन गुजरता है। टाइसेक्स डिजीज़ 3,500 में से एक केस में देखने को मिल रहा होता है, टिपिकली बच्चों के अंदर 6 महीने में दिखाई देने लगता है। इसमें एबनॉर्मली स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स हो जाता है, कोई सडन नॉइस अगर बच्चों को सुनाई देती है और दूर से कोई स्टिमुलेशन मिलते हैं तो वो अचानक से घबरा जाता है, चमक जाता है बच्चा, चौंक जाता है बच्चा, इसको अपन स्टार्टल रिस्पॉन्स कहते हैं। देयर मे ऑल्सो बी लिस्टलेसनेस और मसल स्टिफनेस यानी हाइपरटोनिया, मतलब मसल्स अकड़ जाती हैं इन बच्चों की, हाइपरटोनिया हो जाता है बच्चों का। तो ये सारे रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, आपको ये लिखने हैं भाई, डिसऑर्डर रेसेसिव डिसऑर्डर्स, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में अल्जाइमर डिजीज़, हंटिंगटन डिजीज़ और हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया आती हैं। अल्जाइमर डिजीज़ कितने चांसेस है ये हमें नहीं पता है, पर इसमें पर्सन को डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, भूलने लग जाता है। वैसे तो बुढ़ापे के साथ भी जुड़ी हुई बीमारी है, याददाश्त खोने लग जाती है, मेंटल डिके, दिमाग डिके होना, मेंटली वो डिकेड हो जाता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि इसके सारे केसेस जेनेटिक्स ही हों, कई बार खुद में भी होने लग जाता है और कई बार पेरेंट्स की वजह से भी ये आ जाता है। नेक्स्ट हंटिंगटन कोरी डिजीज़, 5 से 10 केसेस हर 1 लाख के अंदर देखने को मिल रहे होते हैं। ये एक न्यूरो डीजेनरेटिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाता है और कॉग्निटिव डिक्लाइन, चीज़ों को पहचानने में दिक्कत आती है और बिहेवियरल सिम्टम भी देखने को मिलते होते हैं। हंटिंगटन कोरी, हंटिंगटन एक प्रोटीन है, कोरी मस्कुलर मूवमेंट, एबनॉर्मल मस्कुलर मूवमेंट होने लग जाता है, क्योंकि इसमें एक प्रोटीन हंटिंगटन जो है वो सही नहीं बनता, गलत बन जाता है। कैग रिपीट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके भी केसेस हमें अननोन है, पर इसमें कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई आप जानते हो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने का मतलब क्या होता है, एथीरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती है, जिससे कि हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और यंग एज में हो जाती हैं, क्योंकि एडल्ट में तो चलो आज की लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग काफ़ी कॉमन वैसे भी हो गया, पर यहाँ बहुत यंग एज में, बिलो 20 ईयर्स की एज में भी देखने को मिल जाता है। ये जेनेटिक्स भी हो सकता है और लाइफ स्टाइल के बेसिस पर भी देखने को मिल सकती है। अब आगे कुछ पढ़ें उससे पहले सुन लीजिए एक बात, कि जो अपन ने पढ़े हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ये सब मेंडेलियन पैटर्न पे बेस्ड है। मेंडेलियन पैटर्न मतलब हमने मेंडल्स के लॉ, 3 लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन 3 लॉज को जब कोई बीमारी फॉलो कर रही होती है तो वो पैटर्न्स ऑफ कोई बीमारी या कोई भी ट्रेड, कोई भी करेक्टर, कुछ भी कोई इसको फॉलो करे इन लॉज को, तो वो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है। और मैंने क्लास को स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था कि मेंडल के अलावा नॉन मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस भी होता है,
तो तीन लॉज तो मेंडल के थे, अब नॉन मेंडल के भाई कौन से लॉज हैं, तो उसके भी तीन लॉज हैं, नाम मैं बता देती हूँ, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, लॉ ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। ये तीन लॉज हैं जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम इनको नॉन मेंडेलियन लॉ कहते हैं। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, लॉ ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा, स्नैपड्रैगन जो प्लांट होता है उसमें क्या है, लाल रेड कलर के फ्लावर्स और वाइट सफ़ेद कलर के फ्लावर्स दिखाई देते हैं। अगर इनकी क्रॉसिंग करवाई जाए तो नेक्स्ट जनरेशन में अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ रेड कलर फ्लावर का दिखाई देना चाहिए था, पर वो नहीं दिखता। कौन सा दिखता है, पिंक कलर दिखाई देता है। तो ऐसा माना जाता है कि शायद रेड और वाइट मिक्स्ड हो गए, जैसा कोई भी जेनेटिक का लॉ इनहेरिटेंस का लॉ बताता ही नहीं है। पर बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये मिक्स नहीं हुए हैं कलर्स, एक्चुअली रेड कलर ही दिख रहा था फर्स्ट जनरेशन में, पर वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, केवल आधा एक्सप्रेस कर पाया है। तो लाल अगर आधा एक्सप्रेस कर पाए यानी हल्का लाल, तो उसको गुलाबी कहते हैं। तो पिंक कलर के फ्लावर दिखाई दिए थे, तो ये लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, पर ये पूरी तरह से मेंडल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, ये डोमिनेंसी जो है वो कम्प्लीटली दिखाई नहीं दी, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। को डोमिनेंस कहता है कि जिसमें दो करेक्टर एक साथ दिखाई दे सकते हैं, यानी दो दो चीज़ें डोमिनेंट हुई, वो को डोमिनेंस। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन का ब्लड ग्रुप। तीसरा मल्टीपल एलिलिज्म, जिसमें दो से भी ज़्यादा करेक्टर एक साथ दिखाई दे सकते हैं, इसका भी एग्जाम्पल ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है, क्योंकि को डोमिनेंस का एग्जाम्पल तो ब्लड ग्रुप ए बी को डोमिनेंस, और मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, जिसमें ए बी और आर एच फैक्टर तीनों दिखाई दे रहे हैं, तो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। तो मैंने नॉन मेंडेलियन पैटर्न आपको पहले बोल के बताए हैं, अब आगे देख लीजिए मेंडल्स लॉ का वेरिएशन। पहला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें इंडिविजुअल जो हेटरोजाइगस होते हैं वो अपना इंटरमीडिएट फिनोटाइप दिखा रहे होते हैं, तो ये वही रेड वाइट से दिखाया, पिंक फ्लावर बताया गया है। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, जिसमें दो अलग अलग एलील्स जो है फुली एक्सप्रेस होते हैं फिनोटिपिकली, तो ये देखिए ये ऐसे दो एक साथ दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, है ना, तो ये कोडोमिनेंस है भाई। और प्लियोट्रॉपी तीसरा, जिसमें एक जीन कई सारे इफेक्ट दे रहा है, जो मैंने मल्टीपल एलिलिज्म बोला था, जैसे सिकल सेल एलील, एबनॉर्मल प्रोटीन, एबनॉर्मल शेप की रेड सेल्स दिखाई दे रही हैं, ऑर्गन डैमेज और अदर इफेक्ट्स ये कॉज करती है। ऑर्गन डैमेज में इसकी वजह से ऐसी सिकल सेल की वजह से किडनी फेलियर हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, स्प्लीन भी डैमेज हो जाती है, ब्रेन भी डैमेज हो जाता है। दूसरे इफेक्ट्स में बुखार चढ़ती है, दर्द होने लगता है, जॉइंट की प्रॉब्लम्स होने लगती है, फिजिकल वीकनेस इन लोगों में दिखाई देता है, एनीमिया रहने लगता है, निमोनिया भी हो जाता है। इतनी सारी चीज़ें एक साथ, है ना, तो ये प्लियोट्रॉपी है। इसके अलावा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बहुत सारे जीन्स जो हैं एक फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे आई कलर, हेयर कलर, हाइट, स्किन कलर, ये सब चीज़ें। अब सेक्स लिंक्ड जीन्स, ऑटोसोमल हो गया, अब सेक्स लिंक्ड जीन्स देख लें, फीमेल में एक्स एक्स होते हैं, सेक्स को डिटरमाइन इसी बेस पर कर रहे होते हैं, और मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं। ये कैन बी कैरिड ऑन आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम, भाई ये जो सेक्स लिंक्ड जीन्स है वो या तो एक्स वाई क्रोमोसोम पे हो गए, मोर कॉमन एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, तो इफेक्ट मोर मेल्स दैन फीमेल्स। अगर एक्स पर ये कैरी कर रहे हैं तो ये मोर मेल्स को एक्स वो इफेक्ट करेंगे फीमेल्स के कंपैरिजन में। अगर अपन वाई की बात करते, भाई एक्स तो फीमेल्स के लिए है, डायग्रामेटिकली बताया गया है, भाई ड्रैगन फ्लाई दिखाई गई है जिसके ऊपर स्टडी हुई थी बहुत ज़्यादा। ये एक्स लिंक पैटर्न अनअफेक्टेड फादर है, अनअफेक्टेड कैरियर मदर के साथ में अगर क्रॉसिंग हो रही होती है, ऐसे पर्सन की अगर मैरिज हो जाती है कोई अनअफेक्टेड फादर अनअफेक्टेड मदर, हालांकि मदर अनअफेक्टेड है बट वो कैरियर है, कैरियर का मतलब है उसमें करैक्टर दिखाई नहीं दे रहा पर वो एक्स लिंक रिसेसिव एलील उसके अंदर है, तो अगर ऐसे केसेस में मैरिज जब देखने को मिल रही होती है तो क्या दिखाई देगा कि अनअफेक्टेड सन होगा, अनअफेक्टेड डॉटर होगी, अफेक्टेड सन होगा पर अनअफेक्टेड कैरियर डॉटर होगी, तो चार जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसके अंदर आपको ऐसे केसेस दिखाई देंगे। ये क्यों दिखाई दे रहे हैं भाई, एक्स वाई और एक्स एक्स की क्रॉसिंग करवाइए आप खुद से तो आपको पता चलेगा, नहीं तो जब कभी भी क्लास होगी ये वाली चीज़ मैं बोर्ड पर बताऊंगी आपको एक्स लिंक क्रोमोसोम, तो बोर्ड पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा सा आपको क्लियर होएगा। एक्स लिंक डोमिनेंट
अफेक्टेड मदर के साथ में दिखाया गया, एक्स लिंक डोमिनेंट अफेक्टेड फादर के साथ में दिखाया गया। देखो क्रॉसिंग करवाने का तरीका है, जहाँ पर भी अफेक्टेड या कैरियर बोल रहे हो, तो कैरियर जिस पर भी बोल रहे हो तो किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर आप डॉट लगाइए और फिर क्रॉसिंग करवाइए। और अगर अफेक्टेड बोल रहे हो तो मदर में बोल रहे हो तो दोनों क्रोमोसोम एक्स एक्स पर डॉट लगाइए, क्रॉसिंग करवाइए। और फादर अगर अफेक्टेड बोल रहे हो तो वो एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड, उसके अकॉर्डिंग आप डॉट लगाइए, क्रॉसिंग करवाइए। यही क्रॉसिंग आपको यहाँ पर इस वाले डायग्राम में करवानी होगी डॉट लगाते हुए, तो आपका रिजल्ट सही आ जाएगा, आप रिजल्ट देख पाएंगे उसका। मैं बोर्ड पे करवा दूंगी जब कभी भी मुझको टाइम मिलेगा। एक्स लिंक डिसऑर्डर सुन लीजिए भाई, एक्स लिंक रेसेसिव इनहेरिटेंस के अंदर ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, हीमोफीलिया ए, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस और रेटे सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसकी जेनेटिक्स और कैरेक्टर्स दोनों बताए गए हैं। ड्यूकिनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर डिस्ट्रोफियन जीन में म्यूटेशन हो रहा है, इसमें अर्ली लाइफ में ही मसल डिजेनरेशन हो जाता है और इवन डेथ भी हो जाती है पर्सन की। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में CGG जो है वो एक्सपैंड हो जाता है, मतलब खूब सारे ये दिखाई देंगे, इसकी कॉपीज दिखाई देगी, यानी ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो जाता है एक्स क्रोमोसोम में। ये मोस्ट वाइड स्प्रेड सिंगल जीन कॉज है ऑटिज्म का, बहरापन कॉज कर देता है, यहाँ तक कि दिमाग भी खराब हो जाता है, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक क्षमता डिस्टर्ब हो जाती है, स्पेशली बॉयज़ के अंदर जो है ये कॉमनली देखने को मिलती है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। हीमोफीलिया ए म्यूटेंट एलील 70% टाइम एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है और 30% केसेस में ये म्यूटेशन से अराइज होता है। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, जिससे कि पर्सन में ब्लड क्लॉट नहीं बनता और ब्लीडिंग होने लग जाती है। मेनली ये बीमारी मेल्स में देखी जाती है। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस, जो रेड और ग्रीन कलर के लिए होती है। इसमें क्या है, जीन या तो एब्सेंट होता है या म्यूटेटेड हो जाता है रेड ग्रीन कलर के लिए, रिसेप्टर्स के लिए। इसमें रेड ग्रीन कलर को पर्सन पहचान नहीं पाता। रेटे सिंड्रोम क्या है, इसमें जीन एक MECP2 जीन है जो एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है, उसमें म्यूटेशन हो जाता है। टिपिकली इसमें वर्बल स्किल नहीं आ पाती, साफ बोल नहीं पाता पर्सन। 50% इंडिविजुअल्स जो हैं वो चल भी नहीं पाते, स्कोलियोसिस हो जाता है उनमें, ग्रोथ हो नहीं पाती, कॉन्स्टिपेशन भी इनमें बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट बीमारी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस, इसमें हाइपर ट्राइकोसिस, एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटीमिया और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बीमारी देखने को मिलती है। हाइपर ट्राइकोसिस जेनेटिक्स हमें नहीं पता है, पर इसमें हेयर ग्रोथ पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटीमिया में PHEX जीन सीक्वेंस में म्यूटेशन हो जाता है और इस प्रोटीन की भी सब्सिक्वेंट इनएक्टिविटी देखने को मिलती है, जिससे कि बोन डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है, पर्सन की हाइट कम रह जाती है। जेन्यूवेरम बो लेगेडनेस देखने को मिलती है, लेग जो होते हैं बो जैसे बन जाते हैं, धनुषाकार पैर हो जाते हैं। नेक्स्ट रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, अननोन है इसकी जेनेटिक्स भी, पर यह एक डिजेनरेटिव आई डिजीज़ है जिसमें विजन इम्पेयरमेंट बहुत सीवियर टाइप का, साफ दिखाई नहीं देता ऐसे पर्सन को, और ये अक्सर अंधों के जैसे ही होते हैं, ये बहुत कम दिखता है बेचारों को। बस ये आपका पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस नाम का टॉपिक यहीं पे ख़त्म। इतना आप लिख दीजिए एग्ज़ाम में, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मैंने कहा आपका कि इस पर क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए तो काफ़ी है।